हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आ गए नए वीडियो के साथ। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि मेरे जो है वो 240 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी करके 300 पहुँचाइए, 300 के बाद 500 होते करते आप लोग 1000 तो करवा दीजिए यार प्लीज़। आप लोग वीडियो को जितना प्यार देंगे उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम थ्रेडिंग बताएँगे कि थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं। मेरी क्लाइंट जो थी वो उन्होंने बोला था कि मेरा फेस आप पूरा मत दिखाइएगा, तो मैंने सिर्फ इनका जो है इनके आईब्रो की फ़ोटो वीडियो बनाई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, बाकी आप मैंने ये वाली थ्रेडिंग बना ली है। अब मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थोड़ी सी इस वीडियो इस थ्रेडिंग की मैं आप लोग देख सकते हो पूरा पूरा फुल वीडियो आ गया है इनका। और अगर मेरे क्लाइंट को पता चल गया तो ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। तो चलिए वो तो बात की बातें हैं, पहले हम वीडियो और एक थ्रेडिंग मैंने कर ली है और फॉरहेड भी मैं कर रही हूँ। इनके बहुत ज़्यादा बाल थे, इन्होंने फेस वैक्स भी करवाया था और इनका फेशियल भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो आप देख सकते हो इनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह थे और इनको थ्रेडिंग जो है मोटी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए थी। और इनका तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि लेफ्ट थ्रेडिंग जो है वो सामने से कैसे बनाते हैं, तो आप देख सकते हो आपको दूसरे हाथ से बनाना पड़ेगा। और अगर आप उसी हाथ से बना रहे हो तो आपको पीछे से खड़े होकर बनाना पड़ेगा थ्रेडिंग। तो हम उसी हाथ से सेकेंड अपने राइट हैंड से मैं थ्रेडिंग इसमें बना रही हूँ। जो हमारी कैंची होती है वो हमारे राइट हैंड में होती है और इसे अच्छे से, और आपने जब राइट हैंड से थ्रेडिंग बनाना आ जाएगा ना तो आप बहुत जल्दी थ्रेडिंग बना लोगे। जितना लेफ्ट से लगता है टाइम उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है राइट हैंड से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरह से सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे आप इसमें थ्रेडिंग करते हो वैसे इसमें करते हो। बस जो है बहुत लोग होते हैं पीछे से बनाते हैं, मैं भी पहले पीछे से बनाती थी थ्रेडिंग, बट अभी जो है मेरी आदत पड़ गई है। मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी कुछ दिनों तक आगे से बनाने की, क्योंकि पीछे से बनाना अच्छा नहीं लगता और आपको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा पीछे से बनाने में। तो मैं जो है सामने से बनाती हूँ थ्रेडिंग, दोनों थ्रेडिंग में सामने से ही बनाती हूँ और सेम प्रोसेस वही रहेगा। और आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, स्मॉल थ्रेडिंग थी इनकी। और इनको मेरे यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी लगी थी। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बाकी देख सकते हो इनकी थ्रेडिंग अच्छे से बन के तैयार हो गई है और आई होप उन भैया को समझ में आया होगा। मुझे नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट उनके कमेंट पर मैंने ध्यान दिया था, देखा था मैंने एक बार, तो फिर मैंने सोचा उसी टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे कितने अच्छे से हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको धागा जो है बहुत ज़्यादा ढीला चलाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी उसकी चूड़ी, हमें थोड़ा सा लूज ही रखना है क्योंकि नहीं तो कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और रगड़ भी खा जाता है। तो रगड़ वगैरह कुछ ना खा जाए, बहुत ज़्यादा स्किन पतली होती है, बहुत लोगों की सेंसिटिव होती है तो कट जाते हैं, बट आपने धागा जब लूज चलाएँगे आपको तो उसमें कटने के चांसेस नहीं रहते। और मैं थ्रेडिंग को पहले से ही कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं फिर से कटिंग करके उसे अच्छा सा शेप देती हूँ, मेरे लिए सही रहता है, मुझे रुकना नहीं पड़ता फिर। तो बाकी आप लोग बहुत लोग तो बिना काटे बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।